नक्सली आशंकाओं से ग्रसित इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अक्सर आम लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। ये तस्वीरें मंडला जिले की हैं, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बटालियन 148 ने जागरूकता अभियान के तहत एक स्वास्थ्य शिविर लगाया और लोगों को जरूरत की सामग्री वितरित की। तस्वीरें मंडला जिले के ग्राम टाटरी ग्राम पंचायत की हैं। यहां पर स्थानीय लोगों को नक्सलवाद से बचने और विकास की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें शादी समारोह में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भेंट किए गए। इस दौरान सीआरपीएफ के डॉक्टर श्रवण कुमार, डॉक्टर कविता ठाकुर, अमित मिश्रा, सहायक कमांडेंट राम राजेश सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अधिकारियों ने स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से कई लोगों का निशुल्क इलाज भी कराया। ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे ग्राम पंचायत टाटरी में 148 बटालियन सीआरपीएफ का मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि गांव वालों और जवानों के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो। ये बहुत अच्छी पहल है सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा जो यह कैंप आज यहाँ पे लगाया गया है। जो हमारे और जनता के बीच में एक दूरी होती है उसको ख़त्म करना, हमेशा ये लगा रहता है कि वर्दीधारी और आम जनता के बीच में एक दूरी बनी हुई होती है, एक भय होता है। तो इस प्रकार के कैंप लगाने से वो जवान हो गया या हम वर्दीधारी हो गए, एक आम जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो उन हमारी सहयोग को वो समझ पाते हैं और ये जान पाते हैं कि हम भी उन्हीं के बीच के एक हैं, और ये सौहार्द और एक सहयोग बहुत अच्छे से डेवलप हो पाता है। दूसरा उद्देश्य ये है कि भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले इन कार्यक्रमों का ये उद्देश्य होता है कि जो नया पीढ़ी है या गांव के लोग हैं, किसी के बहकावे में आकर के देश के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई में या नक्सलवाद में जुड़ने की जो कोशिश करते हैं, वो न जुड़ करके वो मुख्य धारा में आते हैं और देश की प्रगति और विकास में सहायक होते हैं। का आयोजन किया गया है जिसमें 148 बटालियन सीआरपीएफ के सब यूनिट टाटरी में आयोजन किया गया, जिसमें कि फ्री मेडिकल कैंप और पंचायत को बर्तन चूल्हा वगैरह फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे पेशेंट, जिसमें कि ग्रामीण महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग आकर के अपना इलाज करवा रहे हैं और उनको हम लोग फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।